अच्छा भाई, अगला सवाल है, आपने खिजर अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से बड़े मजबूत दलाइल रखे हैं, उन्हीं में से एक दलील कादियानी हजरात वफात मसीह अलैहिस्सलाम के लिए भी पेश करते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो उन पर फ़र्ज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और मदद ज़रूर करते। प्लीज़ इसकी वजाहत फरमा दें। ये देखें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कादियानी। हमने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जिंदा है? उनके ऊपर तो दुनिया के अहकाम जारी नहीं है। जब दुनिया के अहकाम जारी नहीं है तो वो दुनिया में आके नबी अलैहिस्सलाम की मदद नहीं करेंगे। ये बात तो ठीक है, ये मुझे याद आ गया। खिज़र अलैहिस्सलाम पे मसला नंबर 13 भी है, उसके बाद भी मेरे मुख्तलिफ क्लिप्स हैं। वो आजकल एक क्लिप मेरा वायरल भी हुआ है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या जिंदा है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आया होगा यकीनन। ये सूरह आल इमरान में एक आयत है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो मैंने दलील के तौर पर पेश की थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयत नंबर है 81। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, और याद करो वक्त जब नबियों से अल्लाह ने अहद लिया था। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा यानी नबूत। ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, और फिर तुम्हारे होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में आ जाए। ये तावील खास के अतबार से, तावील आम में कोई और पैगम्बर आ जाए। एक पैगम्बर दावत व तबलीग कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में दूसरा पैगंबर भी आ जाए तो क्या करना है? लतुमिनुन्ना बिही, तो तुमने ज़रूर उस दूसरे पैगंबर पे भी ईमान लाना है। वलतंसुरुन्ना, और ज़रूर उस दूसरे पैगंबर की भी मदद करनी है, जैसा कि हज़रत यही अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद भी की और इन पर ईमान भी लेके आए। एक वक्त में दोनों पैगम्बर थे। काला अकरर तुम, फिर अल्लाह ने कहा क्या तुम तमाम पैगम्बर इकरार करते हो इस बात का, यानी अल्लाह ने पैगम्बरों की रूहों से याद लिया। वह अखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरा भारी ज़िम्मा उठाते हो। कालू अकरर ना, उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं अल्लाह। काला फश हदू, तो अल्लाह ने फरमाया फिर सब एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। वह आना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम गवाहों में शामिल हो जाता हूँ कि अगर मैं किसी को पैगंबर बना के भेजूँ और उसी की ज़िंदगी में कोई और पैगंबर आ जाए तो वो उस पैगंबर की मदद भी करेगा, उस पर ईमान भी लाएगा। यानी ये नहीं है कि वो अपनी खानकाह अलहदा कर ले और वो अपनी खानकाह अलहदा। फमन तवल्ला बादा ज़ालिक, और याद रखना जो इसके बाद फिरा मेरे इस अहद से पैगंबर हो के भी, उलाइक हुमुल फासिकून, तो फिर वो शख्स फासिक होगा चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ा सख्त मामला था। तो इसको मैंने दलील बनाया था कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मानते हैं, पैगंबर भी मानते हैं, और वो कहते हैं पानियों पे उनकी हुकूमत है, तो मैंने कहा मुझे कोई ज़ईफ़ रवायत दिखाएं कि गज़वे बदर और ओहद में आके नबी अलैहिस्सलाम की उन्होंने मदद की हो। उन पर वाजिब था कि हाज़िर होते, वरना उनकी नबूवत छिन गई, क्योंकि अल्लाह ने कहा फासिक हो जाओगे, तो अगर होते तो वो आ जाते, नहीं थे। बुखारी मुस्लिम हदीस है, जो इस वक्त रुए अर्ज पे मौजूद है 100 साल नहीं गुजरेंगे उसे मौत आ जाएगी। अगर हज़रत खिज़र बिलफर जिंदा भी थे तो नबी इस्लाम की वफात के 100 साल के अंदर वो मर चुके हैं, अगर थे। बाकी मेरे वो दलाइल देख लें, वो कोई नहीं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। इसके ऊपर जो कादियानियों का ये इतराज़ है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो चुके हैं, और वो कहते हैं दलील ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा होते तो आके गज़वे बदर उहद में नबी इस्लाम पर ईमान भी लाते तो मदद भी करते। सर वो उस सूरत में करते जब हम उन्हें इस दुनिया पर जिंदा मानते होते हैं, हम उन्हें आसमानों पे जिंदा मानते हैं और दुनिया के रूल्स उन पे लागू नहीं है। आसमान पे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दुनिया पे जरूरत है। आसमान पे जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रहने के लिए जरूरत है। आसमान पे जिंदा रहने के लिए टॉयलेट की जरूरत नहीं है, दुनिया पर जरूरत है। और आसमान पर वो जिंदा है तो वो जिस उम्र में उठाए गए थे 25 या 30 साल की उम्र में, वो उधर ही उनकी उम्र रुकी हुई है। दुनिया में होते तो वो अभी तक उनकी उम्र आलमोस्ट 2000 साल हो चुकी होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये पैदाइश का ईयर चल रहा है ना 2000, जो हमारा ईसवी है कैलेंडर, तो हम उनकी उम्र 2000 साल नहीं कहते। जब उतरेंगे तो वो उसी उम्र में उतरेंगे, फिर ज़मीन पे 40 साल तक रहेंगे। हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर मेरा 12 देख लें। नबी अलैहिस्सलाम के साथ रोज़ा शरीफ में साथ, कब्र की जगह खाली है, वहाँ पर दफन होंगे। सही इस्नाद हदीस मौजूद हैं तिर्मिज़ी के अंदर, मुस्तदरक हाकिम के अंदर। तो इसलिए ये कहना कि ये दलील है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मर जाने की या उनको पे मौत आने की कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की है, अदरवाइज उनकी नबूवत छीन जाती। हाँ, अगर दुनिया पे होते और मदद ना करते तो यकीनन नबूवत छीन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो दुनिया पे है नहीं। वो तो फिर सही मुस्लिम में बुखारी में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में उतरेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया मौकूफ़ कर देंगे और सलीब को तोड़ देंगे। और सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, तुम्हारे नबी की सुन्नत और तुम्हारे नबी पे जो किताब नाजिल हुई है उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे, एज ए उम्मती आएंगे। उम्मती नबी के तौर पे नहीं, उम्मती के तौर पे आएंगे। नबी तो वो पहले से हैं,
امتی نبی بھی ہم ان کو نہیں کہتے، کیونکہ امتی نبی مانیں گے تو نبی کے لیے ضروری ہے پھر وہ شریعت والا معاملہ بھی ہو، تو چونکہ وہ ہمارے نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں وہ نبی الگ سے ہے، ادھر وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارا کیا مقام ہوگا اس وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا، امام محمد بن عبداللہ المہدی، تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن وہ ایک ہی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد امام مہدی ان کے لیے مصلی چھوڑ دیں گے، پھر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کریں گے، کیونکہ امام مہدی سے دجال قابو نہیں آئے گا، دجال کو قتل کرنے کے لیے بڑے لیول کی روحانی شخصیت چاہیے، تو جب دجال امام مہدی سے اوپر ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، وہ پھر دجال کو قتل کریں گے مقام لط کے اوپر، وہ میرا ڈیٹیل لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں، آپ دجال والے چیپٹر میں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی ڈیٹیل کے ساتھ، مشکات کی آپ کو تیسری جلد میں دجال والے چیپٹر میں ساری احادیث آرگنائز فارم میں مل جائیں گی، لہٰذا آپ پک اینڈ چوز نہ کیا کریں، جو دلیل میں نے رکھی ہے اسی دلیل کے اندر سرکمسٹانسز کے اندر جواب دیا کریں، یہ بات اٹھانا کہ جی وہ حضرت خضر کو تو آپ پانیوں پہ اور زمین پہ حکومت ان کی مان رہے تھے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم زمین میں مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ اللہ نے یہ وعدہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا، تمام نبیوں کے اقرار وہ کروا دیا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ان کا امام بنایا، وہ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ روحانی طور پہ ہوا تھا اس اعتبار سے کہ لوگوں نے آبزرو نہیں کیا، برزخی تھا، اللہ نے ان کو جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ وہاں جمع کیا لیکن وہ ان سین بیریئر تھا، ہوا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے، یہ جو قادیانیوں کا کہنا ہے اور بعض منکرین حدیث کا کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی نہیں روحانی تھی، اور سید عائشہ کا قول لے کے آتے ہیں وہ بالکل ضعیف روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو معراج کا سفر کیا اور یہ جو منظر اللہ نے دکھائے وہ آپ کو جسم کی آنکھوں سے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب نہیں ہے، واقعہ معراج کے اوپر میرے ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 126 ABC، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، میں نے ایک ایک چیز نیٹی گریٹی تک قرآن اور بخاری مسلم سے کور کی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک